अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का तूफान टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच हुए वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर टीम इंडिया को बेहद ही शानदार मुकाबले में बेहतरीन जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से दोनों बल्लेबाज ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा हसमतुल्ला साहिदी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एक शानदार बैटिंग पिच पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इस टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान, तो उनके साथ थे गुरबाज। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और पहले ओवर में ही दो बेहतरीन चौके यहां पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिले, जहां पर उन्होंने एक गेंद को फ्लिक के जरिए चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार बेचा, तो एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी उनके बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों, दूसरे छोर से मौजूद गुरबाज से भी ठीक वैसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और उन्होंने भी शानदार शुरुआत कर दी। दोनों बल्लेबाजों की शानदार शुरुआत के बाद भारतीय टीम के लिए विकेट लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को पहली सफलता इब्राहिम जादरान के रूप में मिली, जहां पर एक शानदार कैच के चलते भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इस मुकाबले की हम बात करें इब्राहिम जादरान की, तो शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13 गेंदों पर उन्होंने शानदार 22 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी जारी रही यहां पर गुरबाज के बल्ले से। उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार बेचकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था, लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को एक और सफलता गुरबाज के रूप में ही मिली, जिन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन वो भी 23 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इस टीम के कप्तान ने शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया और उन्होंने शानदार तरीके से टीम के लिए पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की उमर जई के साथ मिलकर। हसमतुल्ला और उमर जई के बल्ले से एक के बाद एक बेहतरीन शॉट देखने को मिल रहे थे। 12 ओवर की समाप्ति 100 रनों का स्कोर पार कर लिया अफगानिस्तान की टीम ने, लेकिन इसके बाद तो दोस्तों उमर जई और भी आक्रामक खेल दिखाते हुए नजर आए, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज के कमाल की गेंद पर सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बेच दिया। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए असमतुल्ला साहिदी के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका इसी ओवर में देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों, 15 ओवर की समाप्ति तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 140 रन बना चुकी थी अफगानिस्तान की टीम और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उमर जई ने अपना अर्धशतक मात्र 27 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। ये इनकी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी रही और असमतुल्ला साहिदी के साथ इनकी पार्टनरशिप भी कमाल की रही। इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने, जब उन्होंने पेवेलियन भेजा असमतुल्ला साहिदी को, जिन्होंने 43 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, आखिरी दो ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया यहाँ पर राशिद खान ने बल्ले से, जिसके चलते यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल की। यहां पर निर्धारित 20 ओवर में 194 रन बनाए अफगानिस्तान की टीम ने और भारतीय टीम के सामने 195 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए फाइन लेग की तरफ भेजा और एक बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, फजल हक फारूकी के ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल का शॉट यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से खेला और एक बेहतरीन चौका रोहित के बल्ले से और देखने को मिला। पहले ओवर में दो चौकों के साथ शानदार आगाज रोहित ने कर दिया, तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए नवीन उल्लक के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर एक कट शॉट के जरिए चौके के साथ अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया यशस्वी जायसवाल ने।
इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी ठीक वैसा ही शॉट खेलकर गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर जब फजल हक फारूक की गेंदबाजी करने आए तो पहली गेंद पर कमाल का छक्का देखने को मिला। रोहित ने सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर में एक और कट शॉट के जरिए शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब भारतीय टीम की कमाल की शुरुआत हो चुकी थी और 3 ओवर में 34 रन भारतीय टीम ने बना लिए, लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही यशस्वी जायसवाल की, जहां पर उन्होंने अजर मतुल्ला ओमरजाई के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर में भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। अब भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में ही 61 रन बना लिए थे, यानी कि टीम इंडिया की बेहद ही शानदार शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद सातवें ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जब यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर वो अपना केस थमा बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लगा, जबकि यहाँ पर नूर अहमद ने पहली सफलता दिला दी अफगानिस्तान की टीम को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित ने अपनी कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी और एक बार फिर जब गेंदबाजी करने आए उमर जई तो उनकी गेंद पर कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला मिडॉन के ऊपर से, और एक कमाल का वह अद्भुत शॉट था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित के बल्ले से ही एक और कमाल का शॉट की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर राशिद खान ने उन्हें जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को रोहित के रूप में करारा झटका लगा। रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन 39 रनों की पारी खेली, लेकिन उनकी इस आक्रामक पारी का अंत हुआ, राशिद खान ने ये करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 8वें ओवर में एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ उन्होंने भी अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव के साथ अब सिंगल डबल वे इनसे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों 9वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी एक कमाल का शॉट खेला और यहाँ पर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद विराट कोहली ने सामने की तरफ एक और कमाल का चौका लगाया। अब भारतीय टीम का स्कोर 80 रन हो चुका था 9 ओवर की समाप्ति के बाद। इसी बीच एक और शानदार चौका फ्लिक शॉट के जरिए सूर्या के बल्ले से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, तभी दोस्तों यहां पर विराट कोहली के बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार नवीन उलक ने उन्हें पेवलियन भेजने में कामयाबी हासिल की और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे रिंकू सिंह तो इसी बीच शानदार एक फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका एक बार फिर देखने को मिला यहाँ पर सूर्या के बल्ले से। 10 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम ने 88 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का पहला छक्का देखने को मिला, जब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना फेवरेट शॉट खेला। तो वहीं पर एक और तरफ दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह के बल्ले से भी एक कमाल का चौका देखने को मिला। दोस्तों अब मुकाबला आगे बढ़ा तो भारतीय टीम इस मुकाबले में थोड़ी पीछे होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 12 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 96 रन बनाए थे, लेकिन बचे हुए 8 ओवर में अब मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को 99 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओवर डालने आए 13वां मुजीब। मुजीब के शौर्म की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, इस बार भी उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री को ही टारगेट किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 2 छक्के लगाने के बावजूद भी वो चुप नहीं रहे और ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में कुल मिलाकर 19 रन बनाकर टीम इंडिया को एक बार फिर मुकाबले में खड़ा कर दिया, क्योंकि अब 7 ओवर में 80 रन चाहिए थे भारतीय टीम को। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 14वां ओवर डालने आए राशिद खान की पहली गेंद पर कमाल का चौका यहां पर देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से। उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो दोस्तों इसके बाद तो एक और कमाल का चौका उनके अगली ही गेंद पर देखने को मिला, जहाँ पर पूरी तरीके से गेंद को बैकफुट पर खेला और 4 रनों के लिए भेज दिया। अब 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर राशिद खान के इस ओवर को बड़ा बनाने के मूड में थे पूरी तरीके से रिंकू सिंह, और ये कमाल किया उन्होंने तीसरी गेंद
गेंद पर जब उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम को 62 रनों की जरूरत थी बचे हुए 6 ओवरों में मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में 2 ओवर से ही पूरी पकड़ बनाती हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशिद खान के ओवर में ही एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी की सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का छक्का देखने को मिला काइस अहमद के ओवर में और इस कमाल के छक्के के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य के इस अर्धशतक के दम पर भारतीय टीम अब मुकाबले की तरफ काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। भारतीय टीम के स्कोर की हम बात करें तो अब दोस्तों आखिरी बचे हुए 4 ओवर में टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए मात्र 42 रनों की जरूरत थी और जिस प्रकार की फॉर्म में ये दोनों बल्लेबाज थे वो बेहद ही आसान लग रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सूर्य के शानदार अर्धशतक के बाद अब बारी थी रिंकू सिंह के अर्धशतक की भी, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया और एक कमाल के चौके के साथ अपने अर्धशतक तक पहुंचे रिंकू सिंह। कमाल की बल्लेबाजी रही रिंकू की, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 24 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया। अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत थी दोस्तों, लेकिन तभी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने अपना सुपला शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर कमाल का शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इस ओवर में पूरी तरीके से भारतीय टीम को अपने गेम में लेकर आ गए सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी। अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 16 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का छक्का जड़ दिया सामने की तरफ। अब तो सिर्फ 10 रन ही चाहिए थे टीम इंडिया को जीत के लिए। तभी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया वन बाउंस और अब भारतीय टीम इस मुकाबले को पूरी तरीके से अपनी जकड़ में ले चुकी थी और अब अफगानिस्तान की टीम के हाथ आया हुआ यह मुकाबला निकलता हुआ नजर आया और रिंकू ने इसे कुछ अपने ही अंदाज में समाप्त किया जब उन्होंने सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़कर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। सूर्या और रिंकू की इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए पहले T20 वार्म अप मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को पराजित करके भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के इन दोनों धुरंधर बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।